हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल आपके। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग घर में कूलर होगा तो कूलर के कुछ टाइम बाद, कूलर के जो गेट होते हैं जो जिसमें घास लगी होती है, जाली होती है, उनके कुछ टाइम बाद 2-3 साल बाद जालियों के बाहर से पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, उसमें जो ओवरफ्लो होता है वो कुछ धूल मिट्टी के कारण ही होता है। तो आपने देखा होगा जो पानी के जो 3 पाइप होते हैं जो तीनों गेट के सामने लगे होते हैं, वो पाइप एक ट्रे में जाके गिरता है, वो ट्रे में से ही ओवरफ्लो होता है। तो वो कुछ कारण होता है, ज़्यादा कुछ कारण बड़ा नहीं होता, छोटा सा कारण होता है। ऐसा ये कारण होता है कि जो उन ट्रे में होल होते हैं, 7-8 होल होते हैं, उन होल में धूल मिट्टी जम जाती है, इसी के कारण वो ओवरफ्लो होने लग जाता है, वो पानी वहाँ से पास नहीं हो पाता है, तो उसको पूरा प्रॉपर पानी पास होने में दिक्कत आती है, जिसके कारण वो ओवरफ्लो पीछे से होने लगता है और गेट के बाहर से जाकर पानी जालियों पे, लोहे के जालियों पे जाकर के पड़ती है, और जिससे आपकी जाली या कूलर भी ख़राब हो जाता है और वो पूरा नीचे तक आपके जो सरफेस एरिया है कूलर का वहाँ तक आके गिरता है बाहर से, तो अब जंग उंग खाएगा कूलर जैसे ख़राब होगी। तो फ्रेंड, अपने कूलर को जो मेंटेन है थोड़ा रखें, और जो होल है उन होलों पर ज़्यादा ध्यान दें आप, क्योंकि जो होल होते हैं वो होल आपको पानी के जो ओवरफ्लो होते हैं वो घास पे बराबर नहीं गिरने देते हैं, जिसके कारण पानी बाहर गिरते हैं, तो उससे कूलिंग भी आपकी कम हो जाती है। अब जब घास पे आपकी पानी आपको प्रॉपर पड़ेगा नहीं तो कूलिंग भी नहीं हो पाएगा, बाहर जब पानी पड़ेगा तो बाहर पानी पड़ेगा धूप से सूख जाएगा पानी, और आपके घास पे नहीं पड़ेगा, जिसके कारण कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी और आपके जो कूलर है वो ख़राब होने के भी चांस ज़्यादा है। तो ऐसी समस्या के लेकर ग्राहक आया था मेरे पास, तो मैंने बोला भाई साहब ऐसे आप करो तो ठीक हो जाएगा आपकी। तो वो भाई ने करा और अगले दिन वो समस्या ठीक हो गई। तो वो सबके साथ हो सकता है, जितने भी कूलर है, और ज़्यादातर समस्या लोहे और लोहे के साथ आती है, क्योंकि लोहे के जाली में जो होल में है वो फंस जाता है, और जिसके कारण, क्योंकि जो लोहे का जो होल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और वो पंच किए हुए होल होते हैं, जब पंच किए होल होते हैं तो उसमें रफनेस होती है, चिकनाहट नहीं होती है, और जो प्लास्टिक होते हैं वो डाई से कटे होते हैं और जिसमें थोड़ा होल उनका बड़ा होता है उसमें थोड़ा कम फंसता है, लेकिन फिर भी दोनों में समस्या आती है। तो आप जब भी अपने कूलर को मेंटेनेंस करें तो उसका जो होल है उनके होल को ध्यान दें, जिसके कारण आपका जो पानी ओवरफ्लो होना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। ऐसे